हमीद फ्राम न्यूज़ वन टेलीविजन। सर मेरा क्वेश्चन सर ये है कि बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान में के जो तल्लुकात हैं वो एक आइडियल सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हैं, और अगर माजी करीब में भी बात करें तो काफ़ी कोशिशें की गई, मिलिट्री लीडरशिप भी ऑन बोर्ड है कि तल्लुकात बेहतर हों, लेकिन ऐसे में एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मुसलसल इस तरह की बयानबाजी कर रही है, ख़ास तौर पर रिजीम चेंज का इल्ज़ाम जो है उसी बरादर मुल्क के ऊपर आयद कर रही है, इस पर क्या कमेंट्स हैं? देखिए, पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बड़े देरीना बरादराना मोहब्बत और एहतराम वाला रिश्ता है, और हिज़ रॉयल हाइनेस शहज़ादा खालिद बिन सलमान जोंसी हैं, वो 23 मार्च की जो परेड थी उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के भी तशरीफ़ लाए, जो हमारे लिए बड़े फ़ख्र की और इज़्ज़त की बात है। वज़ीर ख़ारजा जो हैं अपनी हाई रुकनी कमेटी के साथ डेलीगेशन के साथ आए, सऊदी एक हाई बिजनेस डेलीगेशन अभी आया हुआ था पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान दौरा हुआ, आर्मी चीफ का दौरा हुआ, तो ये तमाम जो दौरे हैं ये रवाबित जो उनसे हैं ये उन देरीना मोहब्बत और एहतराम के रिश्तों को मज़ीद सॉलिडिफाई करते हैं, और सऊदी अरब इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत है इस दौर में इस टाइम में जो उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो दिलचस्पी ले रहा है, जो मदद कर रहा है, उसके ऊपर आपने वजारत खारजा को, हुकूमत पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म को मुतअद्दिद बार सुन लिया होगा कि उसके पाकिस्तान उसके ऊपर मशकूर भी है, पाकिस्तान उसको अंडरस्टैंड भी करता है, और दफाई तौर पे भी हमारे सऊदी अरब के साथ बड़े गहरे और पुराने रवाबित हैं सिक्योरिटी डोमेन में भी, और ये मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। जहाँ आपने ये पर्टिकुलर सवाल किया ये बहुत अफसोसनाक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि पाकिस्तान का जो आईन है उसका आर्टिकल 19 भी इस बात की कतन इजाज़त नहीं देता कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के पीछे, अपनी इजहार राय के पीछे छुप के दोस्ताना ममालिक के तल्लुकात को डैमेज करें, तो ये एब्सोल्युटली गलत है। लेकिन इसके आपको कॉन्टेक्स्ट को अगर समझें तो ये वो मज़मूम सियासी सोच है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि हम नहीं तो कुछ नहीं, ये वही सोच है जो चाहती नहीं कि पाकिस्तान मौशी तौर पे अपने पैरों पे खड़ा हो, यही जो सियासी सोच है। क्या इन्होंने आप सबके सामने IMF को लिखा नहीं कि पाकिस्तान की जो इमदाद है उसको मशरूत किया जाए, वो ना दी जाए ताकि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए? क्या उन्होंने IMF की बिल्डिंग के सामने मुजाहरे नहीं किए, दुनिया भर ने नहीं देखे? क्या उन्होंने अमेरिका में लॉबिंग फर्म रख के अमेरिकन सियासत पे असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई जाए? तो जब वो आपके दोस्त बरादर ममालिक को, और वो भी सऊदी अरब जैसा मुल्क जिसके साथ मैंने कहा हमारा एक बाकी रिश्तों के अलावा एक मोहब्बत एहतराम का एक मजहब से जुड़ा हुआ एक जज्बाती लगा हुआ है इस मुल्क के साथ हमारा, इस तरह की बातचीत करें तो इससे पता चलता है कि उनके लिए कोई हद नहीं रही। वो इस मुल्क की किसी वजह से ये चाहते हैं कि ये मुल्क मौशी तौर पर हर लिहाज से नीचे जाए, और उसके लिए कुछ करने को और कुछ भी कहने को तैयार है। अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।